नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। सिंगर हार्डकोर का ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या ये कह सकते हैं अब उनके लिए परेशानियां इंडिया में बढ़ चुकी हैं। वैसे तो वो यूके बेस्ड हैं, यूके में ही रहती हैं वो, और उनको इंडिया के साथ इंडिया के बारे में शायद पता नहीं है कि इंडिया में किस तरीके से उनको जो पोस्ट है वो शेयर करनी चाहिए। सोशल मीडिया आज के समय में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि आप वहाँ कुछ भी कहते हैं तुरंत तूल पकड़ लेता है। अब ऐसे में मामला आया हार्डकोर का, उन्होंने ऐसे पोस्ट शेयर किए जिससे पूरे मामले में तूल पकड़ ली। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बारे में पोस्ट किया, उनको उन्होंने टेररिस्ट बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को उन्होंने रेपिस्ट कह दिया। ये पोस्ट उन्होंने किए, इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ ली। लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर लताड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने उनको गालियां दी, तो वहीं कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। पर दूसरी तरफ मामला तब और बढ़ गया जब उनके खिलाफ इस पूरे मामले पर FIR दर्ज हो गई। ये पूरा मामला क्या था, उन्होंने क्या पोस्ट की है, अगर अब उनके पोस्ट को लेकर बात करें तो वो अक्सर ऐसी पोस्ट करती रहती हैं, लोगों को गालियां देती रहती हैं, या फिर ऐसे जो CM है उनके बारे में उन्होंने पोस्ट कर रखी, और जो RSS प्रमुख मोहन भागवत है उनके बारे में उन्होंने पहले भी ऐसी पोस्ट कर रखी हैं। अब ऐसे में जो उन्होंने जो उनको रेपिस्ट और टेररिस्ट का, यानी कि CM योगी आदित्यनाथ को रेपिस्ट कह दिया और मोहन भागवत को टेररिस्ट कह दिया, ये पूरा मामला क्या है, उन्होंने क्या पोस्ट शेयर की, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इस मामले में वाराणसी कैंट थाने में पुलिस ने पंजाबी गायिका हार्डकोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने थाना कैंट में पुलिस को इस मामले की तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक इस पोस्ट में आम जनसभा की भावना को ठेस लगी है। शशांक की तहरीर पर कैंट पुलिस ने धारा 153A, 124A, 500, 505 व 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अगर बात किया क्या है पूरा मामला, तो हार्डकोर ने मोहन भागवत को न सिर्फ जातिवादी कहा बल्कि देश में हुई बड़ी आतंकी घटनाओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। RSS को जिम्मेदार ठहराया, वे फिर चाहे वो 26/11 मुंबई हमला हो या पुलवामा में CRPF के काफिले पर अटैक। हार्डकोर ने पहले भी अलग अलग सेलिब्रिटीज राजनेताओं को लेकर ऐसी पोस्ट लिखी है, लेकिन इस बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत पर उनकी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें भरपूर लताड़ मिल रही है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी पोस्ट में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि जिन लोगों ने इस पोस्ट पे कमेंट किया है उनके खिलाफ भी उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उनको गालियां दी, उन्हें अपशब्द कहे। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने उनको लताड़ा है, तो कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है उनके इस बोल्ड स्टंट के लिए। खैर, एक तरह से ये गलत भी है कि आप डायरेक्टली किसी को इस तरह से आतंकवादी और रेपिस्ट नहीं कह सकते। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जिस प्रकार एक भगवा रेपिस्ट कहा है, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो एक साधु संत से बिलोंग करते हैं, एक भगवा नेता माना जाता है, तो इसी तरीके से उनको भगवा से भी उनको रिलेट किया। वैसे में देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को किस प्रकार लेती है, क्योंकि अभी इस पर तो केस हो चुका है। हार्डकोर के लिए मुश्किलें किस तरह बढ़ती जाएंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हार्डकोर जो सिंगर हैं उनका इंडिया आना जाना अक्सर लगा रहता है। अब ऐसे में उनके आने जाने पर भी हो सकता है कि उनको इंडिया आने जाने पर भी वीज़ा पासपोर्ट में दिक्कतें आ जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, तो इंडिया में उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। खैर, शायद उनको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, शायद उनको इन सब मामलों के बारे में पता नहीं कि जब मामला तूल पकड़ेगा इंडिया में और ज़्यादा हाईलाइट होगा तो उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खैर, वो यूके रहती हैं तो यूके कल्चर को समझती हैं, इंडियन कल्चर को शायद वो थोड़ा कम समझती हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसी बातें की हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि RSS और CM योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।